ये क्या हुआ? ये क्यों हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। अगर कभी भी आपके मन में भी कुछ ऐसे थॉट्स आए हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। बल्कि लाइफ में जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो अक्सर इसी तरह के थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। इन्हीं थॉट्स के चलते हम हेल्पलेस फील करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता, कोई भी काम ठीक से नहीं होता। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम पे रखते हैं और प्रॉब्लम रिलेटेड बातें ही सारा दिन आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। और इसकी वजह से हमारी पूरी एनर्जी प्रॉब्लम के बारे में ही सोचने में लग जाती है और हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। तो हमें अब करना ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई डिफिकल्ट सिचुएशन या प्रॉब्लम फेस करें तो अपना पूरा फोकस प्रॉब्लम से हटा के उसके सोल्यूशन को ढूंढने के लिए लगाना पड़ेगा। उससे होगा ये कि सिचुएशन आपको कंट्रोल नहीं करेगी बल्कि धीरे धीरे सिचुएशन ही आपके कंट्रोल में आने लगेगी। तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के बाद जब हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे तब हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे। पहला ये कि हमारे पास इमीडिएट सॉल्यूशन होगा जो हम उसी वक्त इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको कोई इमीडिएट सॉल्यूशन ना मिले तो आप घबराइए नहीं, बल्कि आप अपना एटीट्यूड ये रखें कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर है और उसी सॉल्यूशन के बारे में लगातार सोचते रहिए। और सॉल्यूशंस के बारे में बार बार सोचते रहने से हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है और उसमें से जो भी ऑप्शन हमें बेस्ट लगे उसे चूज करेंगे। और अगर तब भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हम वेट करेंगे, ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो क्या कहते हैं, नहीं होगा? ट्राई तो करो, हो जाएगा।